ड्रिफ्ट स्पीड से वेलोसिटीज़ के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका मैंने रिलेशन बताया, वेक्टर फॉर्मेट बताया ओम्स लॉ का। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 × 10⁻¹ मीटर स्क्वायर। चलो एक एक करके जो जो डेटा मिला है लिखते हैं। ए इक्वल्स 1.0 × 10⁻¹ मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर आई गिवन है। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, चलो डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 9 × 10³ के जी पर मीटर क्यूब। एंड इट्स एटॉमिक मास गिवन है, एक एटम का मास आपको गिवन है 63.5 U के जी में। आई होप आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, दैट इज 63.5 × 1.6 × 10⁻²⁷ के जी, कन्वर्जन यूनिट। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या है, पहला हमको बिट ए क्या निकालना है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ओके तो हमको ये वाला पार्ट कैसे पता चलेगा बिट ए का, आपको पूछा गया है आई इक्वल्स एन ई ए बी डी, और वी डी निकालना है हमको पता है आई बाय एन ई ए। सी वी नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी नो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वी नो आई। एन पता चल जाए, एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये है स्मॉल एन। बस अगर आपको ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या गिवन है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम अगर पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चल जाएगा, अगर आपके पास कितना नंबर ऑफ ये है कॉप एटम है वो आपको पता चल जाएगा। देखो वो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ये जो कॉपर एटम्स, चलो पर यूनिट वॉल्यूम में लेट आपके पास क्या है, ये एक रॉड है, कॉपर रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, लेट बोल दिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एल, ठीक है। अच्छा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम लोग निकालेंगे, या फ्री हम लोग कॉपर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल मास आपके पास कितना है, देखो मेरे को नंबर ऑफ, बिकॉज नंबर वन कॉपर एटम इक्वल्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितना कॉपर, ऐसा क्वेश्चन में गिवेन है, ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब वन कॉपर एटम इक्वल्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना नंबर ऑफ कॉपर एटम होगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं खाली नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकाल दूँ। देखो ये टोटल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, मोल कंसेप्ट में जाएगा बात, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा। तो आप यहाँ पर देख लो कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉपर एटम इक्वल्स मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻²² × 10³³। ये बात आपको पता है। तो अगर मैं क्या निकाल दूँ, मोल्स निकाल दूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकाल दूँ तो काम हो जाएगा। तो मोल्स आपके पास कैसे आ जाएगा, मास बाय मोलर मास, ये आप पढ़ें तो मास की वैल्यू आपके पास। अच्छा यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये एन और ये एन अलग है, ये स्मॉल एन मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो मैं इधर एन वी लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ठीक है, ये मोल्स है। अच्छा मास आपको कैसे पता चलेगा, आपको डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है तो मास भी पता चल जाएगा। डेंसिटी आपके पास रो इनटू वॉल्यूम ए एल बाय मोलर मास आपको गिवन है,
63.5 इंटू 1.6 इंटू 10^-27। अब बस यही वैल्यू यहाँ पर ऊपर में पुट कर दें, देखो ए एल कट जाएगा, रो इंटू ए एल डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 1.6 इंटू 10^-27, ऐसा आ गया। अब डेंसिटी आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर एक बात बताएं, क्या हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कॉपर एटम्स निकाल सकते हैं? तो यस, निकल गया। डेंसिटी की वैल्यू आपके पास है 9 × 10^3, ए एल से ए एल कट गया, डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 1.6 इंटू 10^-27। तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाएगा, और जैसे ही वो पता चल गया, आगे आपके पास क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। INEA ये वाली वैल्यूज पुट कर दोगे, ये विल गेट द आंसर, राइट। तो आप बोलेंगे सर कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कैलकुलेशन मैं आपको करना सिखाता हूँ। जैसे कि आपको पहले सिखाया था, आप ये वेरिएबल्स को अलग रखिएगा और कांस्टेंट्स, मतलब सॉरी कांस्टेंट्स को अलग रखिएगा और 10 के पावर्स को अलग रखिएगा, 10 का पावर अलग रहना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा 9/63.5 इंटू 1.6 इंटू 10^30। अच्छा, अब इसको अभी सॉल्व नहीं करना है, एक साथ सॉल्व करना है, कभी भी अलग अलग सॉल्व करके मत डालिएगा, एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी सारी वैल्यू डालते हैं, आई की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 एम्पियर, एन की वैल्यू डाल देंगे 9 × 10^30, अच्छा ऊपर में चला जाएगा 63.5 × 1.6, और लास्ट बचता है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई की वैल्यू है 1.6 × 10^-19, और एरिया की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1 × 10^-7। सो एज यू सी कि यहाँ पर 1.6 कट गया। अब कैलकुलेशन देखो, 63.5 है, अप्रॉक्सीमेटली 63 समझूंगा, तो 9 × 7 = 63। आप बोलेंगे सर 63.5 है, 63 समझ लिया, अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली योर आंसर इज 7 × 5 = 15, 7 × 105, 10.5 × 10^3, देख लो 10^30 − 19 − 7, 10^-4 मीटर पर सेकेंड। देख लो, जैसा मैंने बताया था, इज ऑफ द ऑर्डर 10^-4 मीटर पर सेकेंड, राइट। यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ दूसरा है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेंड अबव विद थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो आपके पास थर्मल स्पीड का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, अंडर रूट 3 kBT/m, ये RMS वेलोसिटी है, अंडर रूट 3 kBT/m। ये वाला पार्ट है। अच्छा, ये आप कहाँ पढ़े हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े हैं, राइट। आप 3 kB की वैल्यू आपके पास क्या करेंगे, kB की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.3 × 10^-R/NA होता है, ठीक है, −23, और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, रूम टेम्परेचर ले लेगा, और केल्विन में नहीं रखिए, मतलब डिग्री सेल्सियस में नहीं रखिएगा, केल्विन में ही रखिएगा, मतलब 298 केल्विन। अब मास ऑफ मोलर मास ऑफ, अभी तो मास ऑफ कॉपर आपको बताया, मास ऑफ कॉपर एटम आपके पास कितना है, 63.5 × 1.6 × 10^-27। ये वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, इसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करके देखिए, आपको RMS स्पीड भी पता चल जाएगा कॉपर का।
एंड आप कंपेयर कर सकते हैं जो मैंने बताया. एंड लास्ट वाला पार्ट है स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर एंड द स्पीड विथ विच इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से 3 × 10⁵ गलत बोल दिया, 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्पीड से ट्रैवल करता है. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पीड है जो आपके पास चींटी का स्पीड जितना होता है मूव करने का उतना स्पीड है. ये थर्मल स्पीड अगर आप कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड देखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब एक डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, बहुत स्लो ड्रिफ्ट करता है, बहुत स्लो. मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और आप देख रहे हैं नेट इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बहुत स्लो ड्रिफ्ट करता है, मूव करता है एक इलेक्ट्रॉन. और ये इतना स्लो मूव करने का रीज़न क्या है? कॉलिजन्स, रेजिस्टेंस. उसका पाथ सीधा नहीं, ज़िगज़ैग पाथ है बिकॉज ऑफ कॉलिजन्स. नाउ नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm ऑन ए साइड. द वायर इज 10 meters लॉन्ग and carries a current of 3.6 ampere. The density of free electron is 8.5 × 10⁸ per meter cube. Find the magnitude of current density in the wire, the electric field in the wire, and how much time is required for an electron to travel the length of the wire. आपके पास ये पूरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डेटा पूरा आप देख लीजिए. लेंथ गिवन कितना है? 10 meters. आई 3.6 एम्पियर. डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन, वही जो एन वी जो बताया हूँ, 8.5 × 10⁸ पर मीटर क्यूब. अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट डेंसिटी इन द वायर. इतना सब कुछ दे दिया है तो आप पहले क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. और एज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया भी दे दिया गया है, 6 × 6 mm². इतना सब कुछ दे दिया गया है, राइट. तो आप यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं. करंट डेंसिटी तो आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगा, जे वेक्टर इक्वल्स आई बाय ए. आई की वैल्यू है 3.6 एम्पियर, ये आपके पास पहला बिट. बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6.6 mm² है, 10⁻⁶. तो ये आपके पास करंट डेंसिटी आ जाएगी. बिट बी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर. अब ये भी बहुत सिंपल है, जे वैक्टर इक्वल सिग्मा ई वैक्टर. आप बोलेंगे सर सिग्मा कहाँ है? यहाँ देखो रेजिस्टिविटी दिया गया है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी की बने, 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर. तो सिग्मा क्या हो जाएगा? 1/रेजिस्टिविटी, राइट, विच इज 1/1.72 × 10⁻⁸. दैट इज ई वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जे वेक्टर बाय सिग्मा, विच इज रेजिस्टिविटी इंटू जे वेक्टर. निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. तो ई वेक्टर का मॉड की वैल्यू हो जाएगी 1.7 × 10⁻⁸ और जे वेक्टर हम लोग क्या निकाले थे, आई बाय ए, 3.6 × 6.6 × 10⁻⁶. खत्म, डेटा पुट करो, आंसर निकालो. बिट सी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ अ वायर. अब ये भी सिंपली सवाल है. आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मिल गई बिकॉज लेंथ आपको
पता है मैंने आपको बताया है लेंथ हम लोग जो भी गिवन है, तो जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगी, वीडी मेरे को मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर मेरे को गिवन है लेंथ बाय टाइम, तो आपके पास टी की वैल्यू हो जाएगी लेंथ बाय वीडी। बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल देंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको कैसे पता चलेगी, आई बाय एन ई ए, सारा डेटा गिवन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता चली यहाँ से, उसके बाद आपने क्या कर दिया, आई बाय एन ई कर दिया, और जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास निकला टाइम भी पता चल जाएगा आपको कि कितने समय में वो लेंथ ऑफ द वायर को पूरा क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कंसिडर ए वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर विथ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर कनेक्टेड टू 5 वोल्ट। फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू मेटलिक वायर वेयर म्यू इज 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग रखते हैं, म्यू क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन 5.8 वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले म्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। म्यू आपके पास मोबिलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चन पे दोबारा वापस आएंगे 5.8 पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करेंट ऑफ 16 एम्पियर इज मेड टू पास थ्रू ए कंडक्टर वेयर द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 4 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर क्यूब एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट फेरस स्पीड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या क्या गिवन है, आई इक्वल 16 एम्पियर और नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन वी आपको गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 10 पर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। बी डी निकालने के लिए बोला है, निकाल लीजिएगा, आपको फॉर्मूला पता है, आई इक्वल्स एन ई ए बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट, अ कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, a potential difference of 10 volt exist across the wire. Achha. Find the drift speed of electrons if number of free electrons per cubic meter is 8 into 10 to the power 25. Chalo, kya kya given hai, dekh lete hain. Resistance aapko given hai 10 ohm ka. Area of cross section aapko given hai 1 millimeter square ka. पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स 10 वोल्ट, उसके बाद आपको गिवन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8 इंटू 10 टू द पावर 25 पर मीटर क्यूब, तो R इक्वल्स रो L बाय A, आपको ये बात तो पता है। अच्छा, हम लोग इस वाले पार्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको क्या पूछा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पूछा है हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल्स एन ई ए वी डी। अब आई तो गिवन नहीं है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो क्या मैं आई को क्या लिख सकता हूँ इधर, आई कैन बी रिटन एज वी बाय आर, तो पुट करेंगे वी बाय आर इक्वल्स एन ई ए वी डी। सो वी डी की वैल्यू हो गई आपके पास V बाय आर एन ई ए, तो वैल्यूज़ देखो, दैट इज 10, R की वैल्यू आपको गिवेन वापस से 10, N की वैल्यू गिवेन है 8 इंटू 10 टू द पावर 25, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, A की वैल्यू 1 मिलीमीटर स्क्वायर दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब बस ध्यान से समझना है, देखो आई और वी डी के बीच का ये बेसिक कनेक्शन है, आई इक्वल्स एन ई ए वी डी, ये आप निकालो, फिर उसके बाद आप देखते रहो कि क्या क्या कनेक्शंस आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या डेटा आपको गिवन है।
उसी डेटा से आगे की तरफ फॉलो करते जाओ. राइट. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर. द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज गिवन. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, करेंट दिया है, कंडक्टिविटी दिया है. तो इससे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चमका होगा कि आपके पास कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ही रिलेशन आपको याद आ रहा होगा, जे वैक्टर इक्वल्स सिग्मा ई वैक्टर. राइट. अब बोलेंगे सर जे तो नहीं गिवेन है, पर जे तो निकाल सकते हैं, जे इक्वल्स आई बाय ए. तो आपको डेटा देखो क्या क्या गिवेन है. आई इक्वल्स 1 एम्पियर, ए इक्वल्स 2 मिलीमीटर स्क्वायर व्हिच इज 2 × 10⁻⁶ स्क्वायर. राइट. उसके बाद सिग्मा भी गिवेन है, 6.25 × 10⁷ एस मीटर इनवर्स. सी, ये एस आपके पास क्या है आपको पता है, ये यूनिट है, सीमेन बोलते हैं. जो आपके पास किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, या तो आप ओम इनवर्स बोल सकते हैं या सीमेन बोल सकते हैं, एस से रिप्रेजेंटेड. तो कंडक्टिविटी वही सीमेन मीटर इनवर्स. राइट. तो यहाँ पर आपके पास ये वाले डेटा आ गए. नेक्स्ट आगे आप ये वाला पार्ट तो कर ही लेंगे, डेटा पुट कर लेंगे. ये आपके पास आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे बाय सिग्मा. खत्म. नेक्स्ट, फाइंड द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन द कॉलिजन एंड द फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एट रूम टेम्परेचर. गिवन रेजिस्टिविटी गिवन है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है. नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इक्वल्स 8.5 × 10⁸ मीटर क्यूब. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, ट्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है. तो ये सिंपल सवाल थे, इसमें कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं. ड्रिप वेलोसिटी अगर आपको गिवन है तो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू रिलैक्सेशन टाइम, एक ही रिलेशन है अपने पास, ई ई बाय एम इनटू टाउ, दिस इज योर रिलेशन. डेटा रो गिवन है विच इज 1.7 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर. नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एन वी 8.5 × 10⁸ मीटर क्यूब इनवर्स. ई गिवेन है 1.6 × 10⁻¹⁹. मास एम गिवेन है 9.1 × 10⁻³¹ kg. देखो आपको वीडी ड्रिप वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आगे हम लोग देख सकते हैं. मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, आई इक्वल्स एन ई ए वी डी जब करके ओम्स लॉ बताया था तो आपको बोला था वैल्यू क्या है, एन ई ए वी डी की जगह पे हम लोग रखे थे ई बाय ई, ई बाय एम ऐसा रखे थे, और आई हो जाएगा आपके पास एन ई स्क्वायर, अच्छा टाओ एम ए बाय एल इंटू वी. तो मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी होता है आपके पास एम बाय एन ई स्क्वायर टाओ, ये बात मैंने आपको बताया था, एम बाय एन ई स्क्वायर टाओ. तो आप बोलेंगे सर अभी हमको कैसे पता चलेगा, जो डेटा गिवन है उस हिसाब से पता चलेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन मैंने पहले देखा था, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई काम नहीं है यहाँ पर,
वेलोसिटी से निकलेगा ना, ये किससे निकलेगा, रेजिस्टिविटी से निकलेगा। तो डेटा जैसा गिवन है उस तरीके का दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डेटा में रेजिस्टिविटी गिवन है और रेजिस्टिविटी में टाओ आता है और टाओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में, राइट। तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टिविटी इक्वल्स मास बाय एन ई स्क्वायर टाओ है, टाओ की वैल्यू आ जाएगी मास बाय एन ई स्क्वायर इंटू रेजिस्टिविटी। देखो सारा डेटा वही गिवन है, बस डेटा आपको पुट करना है, ये विल गेट द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्युमिनियम वायर ऑफ डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, पहले देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम वायर इज 0.24 सेंटीमीटर, दैट इज 0.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज गिवेन 0.16 सेंटीमीटर विच इज 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। नाउ एन इलेक्ट्रिक करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द वायर, फाइंड द करेंट डेंसिटी इन एल्युमिनियम वायर। सीधा सवाल है भाई, ये तो एकदम ईजी है, जे एल्युमिनियम इक्वल्स करेंट, दोनों में सेम फ्लो करेगा बिकॉज सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन है भाई। ये अगर आपके पास, क्योंकि एल्युमिनियम का ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, कॉपर का छोटा दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास सीरीज कनेक्शन है तो जितना करेंट कॉपर में फ्लो करेगा उतना ही करंट एल्युमिनियम में फ्लो करेगा, दोनों में सेम करंट फ्लो करेंगे, चाहे आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो कि अलग अलग हो, बिकॉज द कनेक्शन इज सीरीज, राइट। तो यहाँ पर आपको एरिया किसका लिखना है, एल्युमिनियम का लिखना है। एंड बिट टू, ये तो बिट वन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बिट टू आपके पास क्या गिवन है, ड्रिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर वायर। अच्छा यहाँ पर ये भी गिवन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉपर कितना गिवन है, 8.4 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू भी निकल जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स इन कॉपर निकलेगी आई बाय एन ई ए कॉपर। अच्छा अब बोलेंगे सर क्या हम इससे एल्यूमिनियम का भी निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर कॉपर का तो पता चल जाएगा, कि आप यहाँ बोल देंगे कॉपर का करंट यहाँ पर पता है, एन पता है, ई पता है, तो ये वाला एक वैल्यू आ जाएगी। क्या हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स एरिया ऑफ एल्यूमिनियम बाय एरिया ऑफ कॉपर। क्या यहाँ पर ये वाला पार्ट सही होगा, नहीं होगा, वाई, बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये वाला तब सही होता जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते, सेम होते, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, तो ये वाला पार्ट सही नहीं होगा, ये वाला पार्ट आपके पास गलत हो जाएगा अगर आप ये करने का कोशिश किए। कि मैंने जब ये पढ़ाया था आपको बताया था करंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए, साथ ही साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वही मटेरियल में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर कोई बोलना चाहा सर यहाँ से हम लोगों ने कॉपर का निकाल दिया, लेट कॉपर का क्या आया, एक्स आया, लेट कॉपर का एक्स आया यहाँ पर, तो एक्स नहीं मैं लेट वाई आया कॉपर का, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ y बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स एरिया ऑफ एल्यूमिनियम भी आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कॉपर भी आप निकाल सकते हैं। मतलब क्या आप ऐसा बोल सकते हैं v ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स y इनटू एरिया ऑफ कॉपर बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसा बोल सकते हैं? अगर ऐसा बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों का अलग अलग है, वो भी अगर सेम होता तो आप ऐसा बोल सकते थे, राइट? तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये दिमाग में डाल दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁶ m². पूरा लिख लेते हैं पहले। करंट आपको गिवन है आई, जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर। लेंथ ऑफ द वायर आपको गिवन है 0.1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 10⁻⁶ m². अच्छा, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बी, मतलब रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर आपको कितना गिवन है, 1.7 × 10⁻⁸ m². कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे ये तो एकदम सिंपल सवाल है, पहला बिट वन। तो बिट वन के लिए V=IR, आर निकालने के लिए पूरा दुनिया भर का डाटा दिया हुआ है, रो एल बाय ए, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ बिट टू, डिटरमाइन द करेंट डेंसिटी इन द वायर। बिट टू, करेंट डेंसिटी जे विच इज इक्वल्स आई बाय ए। नाउ बिट थ्री, इफ देयर बी 1 free electron पर एटम इन कॉपर देन डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये तो वैसे ही वाला है, डेंसिटी आपको गिवन है 8.9 × 10³ kg/m³। एटॉमिक वेट 63.5 u और एवोगाड्रो नंबर आपको गिवन है। अच्छा ये वाला पार्ट आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बिट थ्री, बिट वन एंड बिट टू तो मैं आपको बता दिया हूँ, राइट? ना ऐसा लग रहा होगा पेज नंबर 3.21 का प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसमें से मुझे डाउट पूछ लीजिएगा।